श्री हरि स्तोत्र भगवान श्री हरि विष्णु की प्रशंसा में गाया हुआ एक स्तोत्र है, जिसकी रचना की है स्वामी ब्रह्मानंद जी ने। विष्णु पुराण के अनुसार जो संसार में सर्वोच्च ईश्वर हैं, निराकार परम ब्रह्म हैं, श्री विष्णु का चतुर्भुज रूप उनका निकटतम मूर्त स्वरूप है। वे भक्तों की निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, सहज ही जगत का पालन करते हैं, आसुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, वो दयामय अपने शत्रुओं के लिए भयकारक है। श्री हरि का यह स्तोत्र उनको प्रसन्न करने का सरलतम उपाय है और मन में एक प्रकार की शांति उत्पन्न करता है। अथ श्री हरि स्तोत्रम्। जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपत्यासहायं भजेहं सुपत्यासहायं भजेहं भजेहं। जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, नभ आकाश के समान है जिनका नीला रंग, जो अजेय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। सदाम्भो दिवासं गलत पुष्पहासं जगत सन्निवासं शतादित्यभासं गदा चक्र शस्त्रं लसत् पीतवस्त्रं हसच्चारु वक्रं भजेहं भजेहं हसच्चारु वक्रं भजेहं भजेहं। जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, 100 सूर्यों के समान जो दिखाई देते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं, जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। रमा कंठहारं श्रुतिवात सारं जलांतर विहारं धराभारहारं चिदानंद रूपं मनोज्ञ स्वरूपं धितानेक रूपं भजेहं भजेहं धितानेक रूपं भजेहं भजेहं। जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और जो सदा मन को आकर्षित करते हैं, अनेकों रूप धारण किए हैं जिन्होंने, उन भगवान विष्णु का मैं बारंबार भजन करती हूँ। जरा जन्महीनम
परानंद पीनम समाधान लीनम सदैवानवीनम जगत जन्म हेतु सुरानीक केतु त्रिलोकैक सेतु भजे हम भजे हम त्रिलोकैक सेतु भजे हम भजे हम। जो जन्म और उम्र से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन सदैव स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन नए प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, देवताओं की सेना के रक्षक हैं और तीनों लोकों के बीच एक सेतु हैं, उन भगवान विष्णु का मैं बारंबार भजन करती हूँ। कृतां नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्रिक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेहं भजेहं निरस्तार्थशूलं भजेहं भजेहं। जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं, जो शत्रुओं का मान हरण करते हैं, जो अपने भक्तों को बहुत प्यारे हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं, जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। समस्तामरेशम द्विरेफाभकेशम जगद्विम्बलेशम हृदाकाश देशम सदा दिव्य देहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुंठ गेहं भजेहं भजेहं सुवैकुंठ गेहं भजेहं भजेहं। जो सभी देवों के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केशों का जिनके बालों का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनकी देह सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका निवास है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। सुराली बलिष्टं त्रिलोकी वरिष्टं गुरुणां गरिष्टं स्वरूपैकनिष्टं सदा युद्ध धीरं महावीर वीरं महाम्भोधितीरं भजेहं भजेहं महाम्भोधितीरं भजे हम भजे हम। जो सुरों में देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है परमात्मा या परम ब्रह्म रूप, जो युद्ध में सदा विजयी हैं, जो महावीरों में भी वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु का मैं बारंबार भजन करती हूँ। रमावाम भागम तलन्नग्न नागम कृताधीन यागम गताराग रागम मुनींद्रैः सुगीतम सुरैः सम्परीतम्
गुणौ गैरतीतं भजे हम गुणौ गैरतीतं भजे हम। जिनके वामांग में बाएं भाग में लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो नग्न नाग पर विराजित हैं, जो यज्ञों से प्राप्त किए जा सकते हैं और जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, उन भगवान विष्णु का मैं बारंबार बारंबार भजन करती हूँ। फलश्रुति ही इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठे दष्टकं कंठहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जरा जन्म शोकं पुनर्विन्दते नो जरा जन्म शोकं पुनर्विन्दते नो। भगवान श्रीहरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, दुख शोक जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्रीहरि स्तोत्रम्।